नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरि कृपा में। मित्रों, वनस्पति तंत्र के बारे में आपने सुना होगा। वनस्पति शास्त्र का अपना महत्व है। वनस्पति से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। रामायण में आपने सुना होगा, जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो संजीवनी बूटी से उन्हें स्वस्थ किया गया था। वनस्पति अपने आप में अद्भुत है। वनस्पति के द्वारा कर्ज मुक्त होने के, रोग मुक्त होने के, निर्धनता मिटाने के, गरीबी दूर करने के कई प्रयोग हैं, कई विधियां हैं, जिसके द्वारा जीवन में चल रहे संकटों से, परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। वनस्पति का प्रभाव आज भी उतना ही है जितना पहले था। आज मैं आपको धन प्राप्ति का एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि पूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, मोगरा को आप सभी भलीभांति जानते हैं। मोगरा के जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, इन फूलों की माला बनाकर रात्रि के समय आप यह प्रयोग शुक्रवार से शुरू करें। रात्रि के समय शुद्ध होकर आसन पर बैठ जाएं और यह माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, जिस भी मंत्र का जाप आप सरलता से कर सके, 108 बार यानी एक माला जप करें। यह प्रयोग आपको 7 शुक्रवार करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा प्रयोग, काली हल्दी को गणेश जी और माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। काली हल्दी को आप अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और नित्य जब आप पूजा करते हैं तो इसे भी धूप दीप दिखाएं। इससे धन लाभ तो होगा ही, साथ ही घर में सुख शांति भी होगी। काली हल्दी पर एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है, आप चैनल में वीडियोस के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तीसरा प्रयोग, कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसका कोई भी काम नहीं बनता, दुर्भाग्य जैसे पीछा ही नहीं छोड़ता। यदि ऐसा है तो आप एक काम करें, गाय के पैर की मिट्टी लेकर जब भी आप स्नान करें, एक चुटकी मिट्टी स्नान के जल में डालकर स्नान करें, इससे दुर्भाग्य दूर होगा। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही उपयोगी वीडियो में। धन्यवाद।